Assalamu alaikum everyone, this is Mohsin Ali aur aap dekh rahe hain hamara YouTube channel Virtual Guide. Aur aaj ke scenes kuch aise hain. Hey Bia. Perfect. Aur ladies dress jo black color ka dress hai jisko abaya kehte hain, ye kab kaise aur kyun bana? Let me tell you one thing very much honestly. Black color dress is not a Muslim religious dress. Ye kab kaise aur kyun invent kiya gaya wo aapko batayenge. So sabse pehli cheez, हम डेजर्ट में रहते थे. वी यूज टू लिव यू नो लाइफ ऑफ अ नोमैड, एक बंजारे की लाइफ, एक खाना बदोश की लाइफ. और सीजनली हमें माइग्रेट करना होता था एक जगह से दूसरी जगह. पुराने टाइम में जो कबीले के लोग थे, जो कि ग्रुप के लोग थे, एक कबीले में कितने एक लोग हो सकते हैं मैक्सिमम आपके हिसाब से? 20, 30, 40, लेट्स टेक 40. अब इन 40 लोगों में से कितने यंग मेल्स होंगे? 10. चलो 10 इज लाइक ओके, क्योंकि उसमें सीनियर सिटीजन होंगे, बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी. लेट्स से 40 में से 10 यंग मेल्स हैं और बाकी कोई 5-6 आपके सीनियर सिटीजन होंगे और 10 बच्चे होंगे, बाकी कुछ लड़कियां होंगी. तो ये जो 10 मेल्स हुआ करते थे, इनका काम रहता था ग्रुप को किसी भी आने वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना. तो ये सब लोग एक कॉन्वे में, जो मेल्स होते थे दे वर द प्रोटेक्टर्स. तो अगर 10 मेल है मतलब 5 लोग ग्रुप से आगे रहेंगे, 5 लोग ग्रुप से पीछे रहेंगे और 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहा करते थे ताकि आगे आने वाला कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही देख के ग्रुप को सिग्नल दे दिया जाए ताकि वो सेफ हाउस की तरफ भागे. और जो 5 मिनट के पीछे रहते थे ताकि अगर कोई जानवर, कोई सामान, कोई बुजुर्ग पीछे रह जाता है तो उसको अपने साथ कैरी करके आगे ला सके. अब इस बीच में होता क्या था, मीनवाइल्स कहीं ना कहीं से कभी ना कभी पायरेट्स आ जाते थे तो हमारा सामान लूटा करते थे. इस सामान के लूटने के बीच में अगर कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी तो उसको अपने साथ किडनैप कर ले जाते थे, राइट? ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमें फेस करना पड़ता था. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बार क्या किया, जितने भी छोटे छोटे कबीले थे, सब कबीले के जो ट्राइब्स के जो रूलर्स थे, उन्होंने सबको बुलाया, सब बैठे और डिसाइड किया गया कि भाई इस चीज से कैसे अपनी लेडीज को बचाया जा सके. सेम चीज डिस्कस हुई, हर ट्राइब को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी. तो जो लीडर्स थे उन्होंने पूछा कि भाई इस चीज को कट डाउन करने के लिए क्या किया जा सकता है. किसी ने बोला कि यार मेल्स को बोलो कि ग्रुप के साथ रहे, या आधे मेल ग्रुप के साथ रहे, आधे आगे रहे, आधे पीछे रहे. उन्होंने बोला नहीं, दैट वर्स्ट कंडीशन. रीजन, जब मेल साथ में पायरेट्स आए तब लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी तो मतलब उसमें बच्चे भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे, मेल्स भी मरेंगे. पहले ही बड़े गिने चुने लोग होते थे, अगर उनमें से भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, राइट? तो वो आइडिया तो वॉज टोटली फ्लॉप कि अगर हम सब मेल्स को साथ में रखते हैं तो मतलब अब आने वाले प्रॉब्लम को बताने वाला कोई नहीं और पीछे रहने वाले बंदे, इंसान, जानवर, सामान अब किसी तरीके से आगे नहीं आ सकता. तो दैट वॉज टोटली अ फ्लॉप आइडिया. इसी तरह लोगों ने बहुत सारे आइडिया दिए, लेकिन हमेशा की तरह मेरी तरह के ओल्ड स्मार्ट लोग हर जन्म में होते हैं, राइट? तो मेरी तरह के एक बंदे ने कहा, सर मैं हूँ. लीडर ने पूछा, भाई बताओ तुम्हारे पास क्या आंसर है? तो मेरे जैसे स्मार्ट बंदे ने कहा कि सर देखिए, हम ओकेजनली, ओके दिस अरब पीपल सिंस द टाइम ऑफ बिगिनिंग, इनके यहाँ शुरू से एक रिवाज रहा है कि मेल्स और फीमेल सेलिब्रेशन हमेशा से अलग रही है, राइट? शुरू से एक कल्चर है इनके बीच में. और दिस ये स्टोरी कहाँ से रिलेट करती है वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में. सो उसने कहा कि सर देखो, ओकेजनली वेन वी गेट यू नो एंटरटेन, तो हम सब रात में एक पार्टी करते हैं, वी कंज्यूम अल्कोहल एंड ऑल दोज थिंग्स, और एक बैरी डांसर रहती है वहाँ पे हमें एंटरटेन करने के लिए, राइट? तो ये बैरी डांसर से आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस स्टोरी इज ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट से ये चीज़ पहले इंट्रोड्यूस की गई थी. क्या चीज़ वो भी बता रहा हूँ. सो एक बैरी डांसर रहती है, अगर आपने 10-15 साल पहले बैरी डांसिंग वीडियोज देखी हो तो उसमें वो चेहरे के सामने एक पतला सा नेट पहन के डांस किया करते थे, राइट? तो वो था पहला बैरी डांसर, डांस का कल्चर, जो कि अब चेंज होकर अलग अलग चीजें हो गई है. सो मैंने पूछा कि सर क्यों आप उस लड़की को कहते हो टू कवर द फेस व्हाइल शी इज परफॉर्मिंग द बैरी डांस? बंदे ने कहा कि भाई ट्राइब के लीडर ने कहा, इट्स वेरी सिंपल, कि चेहरा इज अ वेरी फर्स्ट थिंग जिसको देख के कोई भी आपसे अट्रैक्ट होता है, राइट? अब बंदे को तो बाद में जानते हो, आप चेहरा देखते ही लव एट फर्स्ट साइड वाली जो भी स्टोरी होती है, चेहरा देखते ही आप कहते हो कि यार मुझे अच्छा लगा या लगी, जो भी है, राइट? सो उसका अगर चेहरा कवर होगा तो उसका ब्यूटी लेवल आप जज नहीं कर पाओगे, तो दिल के फिदा होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे. बिकॉज वंस यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल,
एक सर्टेन लिमिट होती है जहां तक आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद देयर इज अ पॉइंट कम्स जब आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तब उस लड़की के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जो आपको एंटरटेन करने आएगी। दैट्स व्हाई वी टेल हर टू कवर द फेस व्हाइल शी इज परफॉर्मिंग, राइट। उसने कहा सर तो बहुत अच्छी बात है, व्हाई डोंट यू इंप्लीमेंट द सेम थिंग फॉर द लेडीज। जब आप एक लंबे सफर के लिए ट्रेवल कर रहे हो, आस्क द लेडीज टू कवर द फेस, उससे फायदा क्या होगा, जब पायरेट्स आएंगे सामान लुटेगा तो डेफिनेटली हमारी लेडीज पागल तो है नहीं जो उठा के बोलेंगे भैया जी देखो ना अगर खूबसूरत तो लेके जाना। यू विल फाइट बैक, और जब तक आप लड़ोगे तब तक आपके मेल्स आ जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। तो वहां से ये चीज इंप्लीमेंट हुई थी जिसको नकाब कहते हैं बैक इन इंडिया, और यहाँ पर हम उसको बुरका कहते हैं, वो तब इन्वेंट किया गया। तब शुरू में ये लेदर का हुआ करता था जो कि कैमल लेदर से बना करता था। इसके दो फायदे, एक तो आपकी स्किन खराब नहीं होती है, दूसरा आपका ब्यूटी लेवल अब जज नहीं हो पाएगा तो आपके किडनैपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। एक और जगह पे हम एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम क्या था वो बताने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने अलादीन कार्टून्स देखे थे अपने चाइल्डहुड में? इवन नहीं देखे तो अभी अलादीन मूवी आई थी वो देख लेना, मैंने देखी मेरी बहुत अच्छी लगी। सो बेसिकली किसी को कभी ऐसा लगा कि दिस कार्टून्स कैन बी ऑन अ रियल लाइफ बेस? हमें यही लगता है कि कार्टून्स आर इमेजिनरी, बट यू बी शॉक्ड टू नो अबाउट दिस दैट अलादीन कार्टून वाज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान। उसमें दो कैरेक्टर्स इमेजिनरी थे, दैट जेनी एंड कालीन, लेकिन बाकी की चीजें रियल लाइफ थी। अलादीन वाकई में था, जैस्मीन वाज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, सुल्तान, सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान, राइट। मुझे ये स्टोरी बहुत रिसर्च के बाद मिली, किसी ने बताया था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद उस पर जितना भी रिसर्च किया आपको कहीं से भी ये ड्रेस कैसे बना क्यों बना कोई भी डिटेल नहीं मिलती। तो क्योंकि वो स्टोरी मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लगी तो मैं अपने टूर्स में उसको शेयर करता हूँ। अब सल्तनत ऑफ ओमान में एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, राइट। वो प्रॉब्लम क्या था कि देखिए वो भी डेजर्ट है, गल्फ रीजन में आता है। सो उस डेजर्ट में अब हम जब लंबे रास्ते पे ट्रेवल करने जा रहे हैं तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया भाई चेहरा लेडीज कवर रखेंगी, मतलब बुर्का पहन के रखेंगी तो कोई जज नहीं कर पाएगा तो किडनैपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन लेडीज के ऐसे बहुत से काम रहते हैं जो उन्होंने करने होते हैं, लाइक पानी लेने जाना, कपड़े धोने हैं अपने, यू नो बर्तन मांजने हैं, तो उसके लिए आपको पानी तक जाना पड़ेगा। और हम कोशिश करते थे कि हम वाटर पॉन्ड्स या वेल्स जो भी चीज़ हमारे करीब हो उससे 200-300 मीटर के फासले पर ही रहे ताकि इजी हो जाना। अब डेफिनेटली आप इतने से रास्ते पर जाने के लिए किसी को ये नहीं कहोगे भाई चेहरा कवर करके तब जाना। एंड वी यूज टू लिव इन टेंट्स, सॉलिड बाउंड्रीज नहीं हुआ करते थे। अब टेंट से आप बाहर निकले, किसी मैजिशियन की नज़र आप पर चली गई और उसने छोटे मोटे स्पेल्स करने, एंड यू विल बी ओवरनाइट वैनिश्ड, राइट। कैसे? क्योंकि देखिए डेजर्ट के बीच में आपके फुट स्टेप्स लंबे समय तक परमानेंट रहेंगे क्योंकि इट्स सैंड, और सैंड के ऊपर जूते का निशान लंबे टाइम तक रहता है। एंड सेकेंडली आपने सुना होगा कि आपके सर के बाल या पांव के दस्त से आप पे मैजिक बड़ी आसानी से हो सकता है, राइट। तो जब ये प्रॉब्लम्स होने लगे कि रातों रात लड़कियों का गायब हो जाना, फिर से सब लोगों को बिठाया। ओमान को आज भी लैंड ऑफ ब्लैक मैजिशियन कहते हैं। वो अलादीन कार्टून के बीच में जो कैरेक्टर था ना जाफर, या इंग्लिश स्टोरी बुक्स में अगर आप उठाओगे हिज नेम इज जुल्फार, और उर्दू स्टोरी बुक्स में उसको कहा जाता है सामरी जादूगर। ही वाज द बेस्ट ब्लैक मैजिशियन ऑफ हिज टाइम, बेस्ट ब्लैक मैजिशियन। इवन ओमान को आज भी लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है। सो ओमान में जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, फिर से सब लोग बैठे, आई सोल्यूशन, स्मार्ट बंदा सर, आई नो द आंसर, बोला क्या मैजिक किस तरह से हो रहा है, आपके फीट डस्ट या सर के बाल से, राइट। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए व्हाई डोंट यू आस्क द लेडीज़ कि जब बाहर निकले तो कवर द हेड, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर बाल गिरेगा भी तो चुनरी में गिरेगा, डायरेक्ट सन हीट से बचोगे, सन स्ट्रोक से बचोगे। एंड सेकेंडली लेट्स इन्वेंट समथिंग विच इज़ लॉन्ग इनफ कि जब वो चले तो उनके पाँव का निशान मिटता चला जाए, राइट। तो शुरू में एक ट्राइंगुलर शॉल इन्वेंट की गई थी जिसको शोल्डर्स पर रख के सामने से हुक किया जाता था, राइट, ताकि वो चले तो उनके पाँव का निशान मिल जाए। अभी भी आज भी सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्पेशली इन तीन एरियाज में अब देखो तो लड़कियों के अबायास काफ़ी लंबे रहते हैं, जब वो चल रही होती है लगता है मॉबिंग कर रहे हैं। ये ड्रेस को इन्वेंट हुए थे। हाउ डू आई सी इट्स नॉट इस्लामिक रिलीजियस ड्रेस, क्योंकि मस्जिद जाने के लिए आपको कहा जाता है फुल स्लीव्स, नॉन ट्रांसपेरेंट, कवर योर हेड, वेयर द लूज ट्राउजर्स, दैट इज द इस्लामिक रिलीजियस ड्रेस। क्योंकि अगर
अबाया रिलीजियस ड्रेस होता तो आपको कहा जाता कि आप एक होली प्लेस में जा रहे हो, रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, प्लीज वेयर दैट ड्रेस अंटिल और अनलेस यू वोंट वेयर इट यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द मॉस्क राइट. लेकिन अबाया की कंडीशंस नहीं है, यू हैव टू फॉलो द रिलीजियस ड्रेस, यू आर अलाउड टू एंटर द मॉस्क. देखिए, हैव यू एवर सीन क्रिश्चियन मैरिजेस? यस. कभी नोटिस किया लड़की ने हेड पहना होता है, चेहरे के सामने एक नेट होता है, द गाउन इज लॉन्ग राइट. रीजंस, शादी के दिन लड़की जितनी खूबसूरत दिखती है ना, कभी उससे पहले ना कभी उसके बाद, उस वक्त किसी का भी दिल आ सकता है उसमें. सो प्रोटेक्ट हर फ्रॉम दोज थिंग्स, इस तरह के ड्रेस कोड्स इन्वेंट किए गए. बट इवन इफ यू आस्क देम, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास राइट आंसर हो. बुर्का ब्लैक कलर का क्यों होता है? व्हाई ब्लैक कलर, नॉट इन कलर अदर कलर्स? सो आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने बताया था बिकॉज ऑफ द हीट ज्यादा होती है इसलिए लाइट कलर्स पहने जाते हैं, तो फिर व्हाई डू विमेन वेयर ब्लैक कलर? बिकॉज उससे तो लाइट हीट और अट्रैक्ट होता होगा. सो आई हैव दिस क्वेश्चन अ डाउट, व्हाई इज इट ब्लैक कलर एंड नॉट व्हाइट कलर? So, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आया कि मेन वेयर व्हाइट एंड वुमेन ब्लैक. इस रेगिस्तान में जहाँ पर टेम्परेचर 50 प्लस डिग्रीज जाता है, आप किसी को कह रहे हो ब्लैक कपड़ा पहनो जो कि हीट को अट्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ऐसा कहीं पर भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि द ड्रेस शुड बी ब्लैक इन कलर. लेकिन यस, लेडीज ब्लैक पहना करती. जब आप डेजर्ट में रहते हो और आपको पता है कि पानी की कमी है, आपने खाना बनाना है, आपने सफाई करनी है राइट, अपने टोमेटो का पेस्ट बनाना है, व्हाइट कलर पे स्टेन्स आएंगे तो दिखेंगे, धोना पड़ेगा, पानी नहीं है, तो ब्लैक कलर चूज किया गया ताकि धोने का प्रोसेस आप कम से कम करो. ब्लैक कलर पे स्टेन्स आएंगे तो कम से कम, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देते. डार्क कलर इज इम्पॉर्टेंट, ब्लैक कलर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. डार्क कलर क्यों? क्योंकि सी थ्रू नहीं रहेगा. अब व्हाइट कलर कितना भी डार्क, कितना भी थिक कर दो, आपको स्टिल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी उसमें से. अगर मैं इस पर अभी दो ड्रॉप पानी फेंकूं तो मेरा कपड़ा सी थ्रू हो जाएगा. बट डार्क कलर्स एक्सेप्ट दोज कलर्स, सी थ्रू इज नॉट पॉसिबल. अब ये चीज़ नोटिस करो, ब्लैक कलर को कितना भी आप पतला कर दो, बहुत करीब कोई आपके है तो शायद, अगर आपने नेट भी पहना है ब्लैक कलर का तो बहुत करीब से कोई देख के बता सकता हो कि दिस इज सी थ्रू राइट, विजिबल है. दो फीट दूर से कोई आपको नहीं बता सकता कि आप अंदर क्या पहन के आए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन इजाजत दीजिए. दिस इज मोहसिन अली साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.